हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर स्वागत है। आज जो ये हम वीडियो लेकर आए हैं, ये है आपके सी टेट से रिलेटेड, जो कि यह वीडियो आपकी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। जो सी टेट का हमने अभी दो वीडियो अपलोड कर दी हैं, जो अभी हाल ही में सी टेट ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और वो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच होगा। यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया है कि आपका जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका एक ही डेट में होगा, या फिर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक अलग अलग डेट में चलते रहेंगे। जैसा कि CBSE द्वारा सी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराया जाता है वो पूरे इंडिया में कराया जाता है, तो पूरे इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए हो सकता है कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें आपके स्टेट वाइज एग्ज़ाम की डेट आपकी अलग अलग हो। जैसे कि अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम की जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक हो, इसके बाद अगर हम अदर एग्ज़ाम की बात करें तो उनकी डेट अलग हो। तो ऐसे स्टेट वाइज एग्ज़ाम की डेट हो सकती है, क्योंकि जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है आपका लैंग्वेज का। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, इस तरीके के मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, SST, ये जो होंगे पोर्शन, ये तो आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अदरवाइज जो इसके अलावा जो पोर्शन आते हैं, आपके मेन पोर्शन आते हैं लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज के पोर्शन जो आता है आपका मेन, उसमें जो डिफरेंस होता हो सकता है कि इसी वजह से आपका 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो आपके एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो आपके स्टेट वाइज एग्ज़ाम इसमें हो सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करा है CBSE ने, यानी कि सी टेट ने, तो इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि ऑफिशियल होगा क्या हमारे यूपी में, दिल्ली में, इसके अलावा आसपास बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसपास के जो सभी इलाके हैं यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका किस डेट को होगा। तो ये तो जब ही पता चलेगा जब आपके एडमिट कार्ड इशू करेगा CBSE। तो अभी CBSE ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में दिया था कि जो आपका ये इस बार का पेपर होगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इस पेपर में होगा क्या कि ये पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है सीटेट के द्वारा ऑनलाइन पेपर, तो इस पेपर को थोड़ा सा क्रिटिकल भी बनाना। मीन्स क्रिटिकल से मतलब पेपर हार्ड नहीं होगा, पेपर जो होगा आपका वो माइंड थिंकिंग पर बेस होगा, यानी कि जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कम होंगे और आपके जो पेडागॉजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा होने की यहाँ पर उम्मीद है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, अभी तक आप पेन पेपर बेस्ड पेपर देते थे जो कि आपका ऑफलाइन होता था, इसमें आपको बुकलेट और OMR सीट मिलती थी, लेकिन अब ये पहली बार आपका ऑनलाइन पेपर जो कंडक्ट होगा था इसके लिए सी टेट ने जारी किया था कि जो आपके हर एक ज़िले होंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस सेंटर पर जाकर अपना सी टेट से रिलेटेड मॉक टेस्ट वहाँ पर दे सकता है। तो ये एक सेंटर बनाया गया था किसके द्वारा, CBSE के सी टेट के द्वारा। तो उस सेंटर की लिस्ट जो है वो सी टेट ने जारी कर दी है, तो उसी से रिलेटेड आज हम आपको ये वीडियो बताने वाले हैं कि वो जो लिस्ट है आपकी वो लिस्ट है क्या, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से स्कूल का सेंटर है, किसके ज़िले में गया है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर पेपर दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास अपने पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, कंप्यूटर की फैसिलिटी अगर आपके पास है, तो आप अपने घर पर भी बैठकर उस पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं जो कि आपका एक मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन वहाँ पेपर में आपको मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ये किस तरीके से दिखाया गया है कि आपको जो पेपर कंडक्ट करना है वो कैसे करना है। अभी तक आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत दिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हों बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर भी वही हो। तो आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो किस तरीके से देना है, उसके लिए भी इसी वीडियो में मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। हर एक आपको मैंने एक एक फ़ोटो कलेक्ट किया हुआ है, उस फ़ोटो को भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि आपको कैसे कैसे शुरू में जो अपने जो आपको जो अपनी की प्रेस करनी है कि आपको कहाँ पर शुरू में क्लिक करना है, उसके क्लिक करने के बाद आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है लैंग्वेज की। तो आपको यहाँ ऑनलाइन पेपर में अपनी लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करनी है,
तो वो मेन चीज़ है यहाँ पर, लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज कैसे चेंज कर पाएंगे, इसके साथ साथ आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कैसे जा पाएंगे, तो ये सभी डिटेल मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बार अपनी वीडियो। तो सबसे पहले यह है कि मॉक टेस्ट की वीडियो हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको, सीटेट दिसंबर जनवरी से रिलेटेड। इसमें सेंट्रल लिस्ट पूरी सीटेट ने जारी कर दी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका ये PDF शुरू हो जाती है जो कि सीटेट के द्वारा जारी की गई है। लिंक फॉर मॉक टेस्ट एंड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर फॉर सीटेट दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन, जो दिसंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके लिए लिंक जारी कर दिया गया है। लिंक कौन सा उसको बताएंगे अभी हम आपको, लिंक कौन सा और लिस्ट भी जारी कर दी गई है कौन सी प्रैक्टिस सेंटर की। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, ये जो आपको ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है ये वही लिंक है। आप इस लिंक को चाहें तो हम इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इस लिंक को प्रोवाइड कराया गया है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना एग्ज़ाम भी दे सकती हैं। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना हो तो हमने इस PDF का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इस सेंटर की PDF, केवल और केवल सेंटर की PDF जो कि ये भी आपको शो हो रही है, केवल ये PDF शो होगी। इसके नीचे जो हम आपको एंड में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पेपर कंडक्ट करना है, उसकी वीडियो की PDF आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। केवल और केवल आप सेंटर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे या इस लिंक को अपने ब्राउज़र में, क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स में, अपने मोबाइल फ़ोन में, कहीं पर भी आप इसे डालते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको लिंक को ओपन करें, तो जब भी आप इसको क्रोम में ओपन करें तो आप अपने मोबाइल का डेस्कटॉप वर्जन जो है, जो आपका मोबाइल वर्जन होता है उसको आप डेस्कटॉप कर दें ताकि आपको एक कंप्यूटर की तरह स्क्रीन ही शो हो। अगर आप इसको कंप्यूटर लैपटॉप में चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इस लिंक को अपने मोबाइल में खोलते हैं तो डेस्कटॉप साइड को ज़रूर क्लिक करके खोलें, क्योंकि आपको जो एक स्क्रीन दिखेगी वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको कंप्यूटर की तरह ही दिखेगी, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन में डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शंस का, आपको ऑप्शन ढूंढने में परेशानी होती है मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस लिंक पर आप जब जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या वो हम आपको अभी नीचे वीडियो के एंड में बताएंगे, तो पहले आगे और चलते हैं। तो ये लिंक यहाँ पर आपको सीटेट ने दे दिया है। अब देखिए बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो देखिए ये सब आपको शुरू में क्या दिए गए हैं, शुरू में आपको दिए गए यहाँ पर स्टेट, शुरू में आपको यहाँ पर स्टेट दिए गए अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो भी आपको स्टेट दिए गए हैं इन सभी स्टेट के यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो ये सभी आपको स्टेट और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद वहाँ का आपका स्कूल, स्कूल के बाद मोबाइल नंबर, वहाँ का PNT नंबर, ईमेल ID, स्कूल का नाम, एड्रेस, ये जो आपको दिया गया है स्कूल नहीं, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का नाम दिया गया, मीन कोई भी वहाँ जो मेन बंदा होगा, जो वहाँ पर डेजिनेशन है, जिसको वहाँ पर इस चीज़ का चार्ज सौंपा गया है, उसका नाम और मोबाइल नंबर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे आपको दिया गया है कि वो स्कूल कौन सा है, स्कूल का फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यानी कि एक बार और देख लेते हैं, सबसे पहले आपको स्टेट, आपको कहीं भी ढूंढना, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखें आप किस स्टेट के हैं और आपको किस स्टेट के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना मॉक टेस्ट देना है अगर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। इसके बाद वहाँ के जो कंसर्न पर्सन है जो इसको कंडक्ट कराएंगे, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका फ़ोन नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी के बाद वो आपका स्कूल का नाम दिया गया है कि किस स्कूल में आपका ये एग्ज़ाम होगा, मींस ये सेंटर नहीं है, ये आपका मॉक टेस्ट का सेंटर है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एक जारी करी गई है। आसाम के बाद बिहार, बिहार के बाद आता है आपका चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका यहाँ पर दमन दीव, गोवा, गुजरात, गुजरात के बाद आता है आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो दिल्ली की जारी नहीं करी गई है, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है कि या तो स्कूल बंद चल रहे हों या फिर हो सकता है कि दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी बार एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पर अभी आपका ये ऐसी कोई दिल्ली की लिस्ट जारी नहीं करी गई। इसके बाद हरियाणा के बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड के बाद आता है आपका कर्नाटक के बाद है आपका
केरल, केरल के बाद मध्य प्रदेश, और देखिए यहाँ लद्दाख का भी आपका सेंटर दिया गया, पेपर आपका लद्दाख में भी कंडक्ट होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये सेंटर, ये आपको सब स्टेट दिए हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद है आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये सभी आपको दिए गए। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है आपका यहाँ पर पुडुचेरी, फिर पंजाब, और पंजाब के बाद है आपका यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है आपका, तो ये पूरी पूरी लिस्ट है, मैं आपको इस लिस्ट को पूरी नहीं बता सकता। इसके बाद है आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद सिलवस्सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना, देन त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगे सभी आपके डिस्ट्रिक्ट दिए गए, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बदायूं, बागपत, बलिया, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर। गाज़ियाबाद में आपके 3 सेंटर दिए गए, इसके बाद गाजीपुर, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद आता है आपका हापुड़, हाथरस, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबा फुले नगर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मणिपुरी, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, पीलीभीत, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संभल के बाद शाहजहाँपुर, शामली, सुल्तानपुर, वाराणसी, अल्मोड़ा और बागेश्वर, चंबोली। ये नहीं है आपके, अल्मोड़ा नहीं है, वाराणसी तक यहाँ पर एंड है आपका, वाराणसी तक आपका उत्तर प्रदेश ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी आपको आगे स्कूल के नाम दिए गए। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, नैनीताल के बाद हल्द्वानी वाला और आपका नैनीताल हिल्स वाला। इसके बाद पौरी, पिथौरगढ़, ये सभी आपको दिए गए हैं। इसके बाद है आपका दार्जिलिंग, कोलकाता, तो ये आपको सब दिए गए। देखिए उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल की लिस्ट दी गई है, तो ये थी वो लिस्ट आपकी जो जारी करी गई है सी टेट के द्वारा। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, जिस वीडियो को हमारा यहाँ पर लाने का उद्देश्य था वो क्या था। देखिए ये आपके सामने एक रिप्रेजेंट हो रही है इमेज, ये एक इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। जब आपने जो मैंने आपको लिंक शुरू में दिखाया था, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी होगा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। आपको यहाँ पर कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना, सिंपल क्लिक करना है आपको कहाँ पर, साइन इन पर। साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद दूसरा जो आपके पास विंडो रिप्रेजेंट होगी वो आपकी इस तरीके से होगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये वही इंस्ट्रक्शन होंगे कि आपके पास 2.5 घंटे का पेपर है, टाइम आपके पास चलता रहेगा, आप अगर आंसर देते हैं तो किस तरीके का कलर आएगा, नहीं देते तो किस तरीके का कलर आएगा, ये सभी हो सकता है कि आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी सेंटर पर तो मिलेंगी मिलेंगी, मे भी हो भी सकता है कि एडमिट कार्ड में भी आपका इस बार प्रिंट होकर आए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जब नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँचेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ से अपनी लैंग्वेज क्लिक करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है। दो लैंग्वेज होंगी, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करिए। इसके बाद यहाँ पर राइट वाले बटन पर क्लिक करिए और यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका ये पेपर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। पेपर स्टार्ट होने के साथ साथ आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आपने अभी तक एग्जाम दिया होगा, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर आते हैं, आंसर दे दिया तो हरा हो जाएगा, ये नहीं दिया तो लाल रहेगा, अगर आपने विजिट नहीं किया तो ये ग्रे रहेगा, जैसे कि और क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, आंसर देने के बाद ये करा तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर कलर होते रहेंगे। फिर अगर आपको पूरा पेपर एक साथ देखना था, यहाँ क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करिए, एक सब्जेक्ट का एक बार में आपको पेपर दिख जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। मेन पॉइंट पर आते हैं, देखिए अभी मैंने यहाँ पर इसको ऑप्शन वन पर यहाँ सिलेक्ट करा हुआ है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। राइट हैंड का मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, एक चीज़ और रह गई है यहाँ पर, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। एक मेन चीज़ है आपका यहाँ पर व्यू इन, जो आपने अभी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी ये वही लैंग्वेज आ रहा है व्यू इन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा हिंदी का। तो केवल लैंग्वेज का पेपर छोड़कर चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद ये ऑप्शन आपका कब काम में आएगा इसको मैं अभी बताऊँगा आपका, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पर जाने से पहले हम इसको यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये
मैंने ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा हुआ है, कब हो अभी जब सिलेक्ट होकर आया था तो वो मेरे पास थर्ड ऑप्शन आया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे मेन पेपर शुरू हो जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, जिसको हम बाल विकास बोलते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स और देन आता है आपका एनवायरनमेंट स्टडी का। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तो देखिए, जब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर वन। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना, जिस आंसर जिस जो भी आंसर आपको चाहिए आप उस पर सिंपल क्लिक करिए। अगर आपको आंसर वन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिए जो गोल गोल आपको दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा और ये आपका जो गोल गोल है, गोल गोल के अंदर जैसे ही आपको गोल गोल दिया है इसके अंदर इस तरीके से एक बिंदी और आ जाएगी जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप जब अपना पहला आंसर दे देंगे तो इस आंसर को देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आंसर तो दे दिया लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ मार्क फॉर रिव्यू करें ऑन एंड नेक्स्ट कर दें, तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये रेड की जगह मीन पर्पल कलर और साथ में ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब है कि आंसर आपने दिया है और पर्पल कलर का मतलब है कि आपने इसको मार्क किया रिव्यू के लिए। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इसको एंड में चेंज नहीं करते ऐसा भी रहने देते तो आपका जो आंसर है वो सिलेक्ट माना जाएगा और उसका आंसर आपको बिल्कुल नंबर बिल्कुल मिलेगा अगर आपने सही आंसर सिलेक्ट किया हुआ है। आपको जो नंबर नहीं मिलेगा वो किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, अगर आपका वो येलो पर्पल और ग्रे कलर का है तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, अगर आपका ग्रीन और पर्पल दोनों कलर में कुछ भी है तो आपको ये मार्क मिल जाएगा। अगर आपको मैथ का पेपर देना है तो आप यहाँ मैथ पर क्लिक कर देंगे तो मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एनवायरनमेंट का पेपर देना है तो एनवायरनमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। अब बात आती है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज का पेपर देना कैसे है। लैंग्वेज का पेपर देने के लिए आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिप्रेजेंट जो होगा, देखिए यहाँ मैथ का दिखाया मैंने, मैथ पर क्लिक करने के बाद मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एनवायरनमेंट स्टडी के। एनवायरनमेंट स्टडी का जब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था एनवायरनमेंट स्टडी के, देखिए यहाँ पेपर हमारे पास रिप्रेजेंट होने लग गए। ये मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। इसके बाद जब मैंने बताया था कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये आएगा इस तरीके से। देखिए मेन पॉइंट है आपका इस पूरी वीडियो का, पूरी वीडियो हमारी एक तरफ हो जाती है और ये जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ये आपका एक तरफ हो जाता है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताई थी लेकिन यहाँ पर आप उनको ध्यान से देखिएगा कि जब आप अपना लैंग्वेज ऑप्शन पर आएंगे तो जैसे आपका ऑफलाइन पेपर में होता था कि एक ही पार्ट में दो लैंग्वेज होती थी, मीन्स लैंग्वेज वन में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होती थी, तो ऑनलाइन पेपर में भी लैंग्वेज वन में इंग्लिश और लैंग्वेज वन में हिंदी दोनों ही आएंगी। अगर किसी ने लैंग्वेज वन इंग्लिश ली है तो वो लैंग्वेज वन इंग्लिश पर क्लिक करेगा, अगर किसी ने लैंग्वेज वन हिंदी ली है तो वो लैंग्वेज वन हिंदी पर क्लिक करेगा। इसके क्लिक करने के बाद भी आपका यहाँ पर आंसर चूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपने लैंग्वेज ली है अभी आपने इस लैंग्वेज को वेरीफाई नहीं किया। तो लैंग्वेज वेरीफाई करने के लिए करना क्या है, ये जो आपको यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, आपने अगर लैंग्वेज वन इंग्लिश ली है तो इस बॉक्स को क्लिक करना है, ये बॉक्स आपका फिल हो जाएगा और जैसे ही ये बॉक्स फिल होगा तो ये जो आपको लाइट दिख रहे हैं ये आपके तुरंत डार्क हो जाएंगे। तो देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने इसको यहाँ क्या किया, जैसे ही मैंने इसको राइट का क्लिक करा ये ऑटोमेटिक यहाँ डार्क हो गए। एक बार और देख लीजिए आप ऊपर आके, देखिए ये लाइट थे और ये यहाँ पर क्या हो गए, देखिए डार्क हो गए। जैसे ही आपका यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा लैंग्वेज पर तभी आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक भी करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक भी करते हैं तो क्लिक करने के बाद भी आपका कोई भी आंसर चूज नहीं होगा। तो लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज पर आपको ये टिक जरूर करना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली, लैंग्वेज वन इंग्लिश या लैंग्वेज वन हिंदी। सेम प्रोसीजर सेकंड उसमें चलता है जब आप अगले वाले ऑप्शन पर आएंगे लैंग्वेज टू पर। अगर आपने लैंग्वेज वन में इंग्लिश ले ली तो लैंग्वेज टू में आपको हिंदी पर सिलेक्ट करना है, अगर आपने लैंग्वेज वन हिंदी ली है तो लैंग्वेज टू में आपको इंग्लिश पर सिलेक्ट करना है। जब तक आप यहाँ लैंग्वेज के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे
तब तक आप इन पर आंसर पर क्लिक नहीं कर सकते। ये है पूरी मेन वीडियो का जो हमारे मेरा मोटो था इस वीडियो को यहाँ पर लाने का कि आपको अभी तक जो हम पेपर देते थे ऐसा सिलेक्शन हमें नहीं करना पड़ता था, लेकिन यह लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया आ जाता है तो उस लैंग्वेज के क्राइटेरिया को करने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना कंपलसरी है। जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने आंसर देते हुए चलेंगे, आंसर देने के बाद सेव नेक्स्ट कर लेंगे और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको दिखेगा कि आपने लैंग्वेज टू कौन सी ली है, कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने आंसर दिए, कितनों के आंसर आपने नहीं दिए, कितने आपने रिव्यू कर रखे हैं, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर टोटल विजिट किए और कितने क्वेश्चन नहीं विजिट किए। तो ये आपका लैंग्वेज, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, सेकंड आ जाता है आपका यहाँ मैथमेटिक्स, देन एनवायरमेंटल साइंस, इसके बाद लैंग्वेज वन इंग्लिश। जब आप ये सभी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपको यार यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक होने पर आपसे ये कन्फर्मेशन लेगा कि क्या हम आपके एग्ज़ाम को क्या कर दें, फाइनली सबमिट कर दें। आप अपने एग्ज़ाम को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक होने के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जिट एग्ज़ाम लिखा आएगा, आप चाहे तो यहाँ क्लिक करिए चाहे ना करिए। इसके बाद मेन चीज़ एक और आती है, जैसे कि अगर आपका टाइम पूरा ओवर हो जाता है, जैसे कि अगर आपने 150 क्वेश्चन आते हैं और आप 149 क्वेश्चन पर चल रहे हैं और इतनी देर में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जो पेपर है आपका वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सबमिट करने के बाद में पूरा का पूरा जो ये भी आपको दिखाया गया था मैंने कि आपको ऐसे करना है, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं करना, तो ये आपको कुछ भी नहीं करना, आपका पेपर ऑटोमेटिक टाइम ओवर होते ही सबमिट हो जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है आपको कि हमारा पेपर हम सबमिट नहीं कर पाए, वो पेपर आपका ऑटोमेटिक सबमिट होगा। इसके बाद अगर आप कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे तो आप बाद में उस क्वेश्चन को चेंज करके दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकती हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये एक बेनिफिट भी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।